करा दी है ना, आप सुन क्या बोल रहे, चुपके से सुनने के बारे आपने फरमाया और कहा सही जामे सगीर की रिवायत आपने फरमाया, जिसने किसी की नापसंदीदगी के बावजूद कान लगाकर चुपके से इनकी बातों को सुना, क़यामत के दिन इसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा, मोल्टन लेड डाला जाएगा, शीशा समझते ना, पिघला हुआ शीशा उसे कानों में भरा जाएगा। हालत तो ये कि मियाँ बीवी की बात सुनने के लिए भी जो कभी कभार लोगों को छोड़ा जाता है कि सुन क्या मियाँ बीवी क्या बात कर, कितनी बुरी बात है ना। तो जबान और कान के मामले में एहतियात करें। इसी तरह कान की एहतियात के मामले में जो आएगा वही है।